हमारा पहला सवाल है, विश्व में सबसे बड़ा अंडा किस पक्षी का होता है? दोस्तों इसका आंसर अगर आप पहले से जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में अपना आंसर कमेंट करें। इसके लिए आपको दिए जाएंगे 5 सेकंड। अगर आपको ज़्यादा वक्त चाहिए तो वीडियो को रोक सकते हो, लेकिन दोस्तों कमेंट ज़रूर करें जिससे आपकी प्रैक्टिस होती रहेगी। इसका सही आंसर है शुतुरमुर्ग का अंडा। दूसरा सवाल है, दुनिया पर राज करने वाला सबसे पहला राजा कौन था? इसका सही आंसर है सरगोदा ग्रेट। तीसरा सवाल है, चिप्स के पैकेट में कौन सी गैस होती है? दोस्तों बहुत इंटरेस्टिंग और नॉलेजफुल सवाल हैं इस वीडियो में, तो आप इस वीडियो को पूरा देखें, बिल्कुल भी स्किप ना करें, क्योंकि इस वीडियो से आपको काफ़ी जानकारी मिलने वाली है। इसका सही आंसर है नाइट्रोजन गैस। चौथा सवाल है, विश्व डाक दिवस कब मनाया जाता है? दोस्तों अभी तक आपने एक भी सवाल का जवाब कमेंट नहीं किया है, तो अपना जवाब कमेंट ज़रूर करें जिससे आपकी प्रैक्टिस होती रहेगी। इसका सही आंसर है 9 अक्टूबर को। पांचवा सवाल है, मंगल ग्रह पर उतरने वाला पहला अंतरिक्ष यान कौन सा था? इसका सही आंसर है पाथफाइंडर। छठवां सवाल है, सूर सागर किस महान कवि की रचना है? इसका सही आंसर है सूरदास जी की। सातवां सवाल है, हरा सोना किसे कहा जाता है? दोस्तों हमारी वीडियो से अगर आपको थोड़ी सी भी नॉलेज मिले तो हमारी वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों में व्हाट्सएप पर, सोशल मीडिया पर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे आपके दोस्तों को भी थोड़ी नॉलेज मिल जाएगी। इसका सही आंसर है चायको। आठवां सवाल है, सरदार सरोवर बांध किस नदी पर स्थित है? दोस्तों आंसर देखने से पहले आंसर कमेंट किया करें, बाद में आंसर देखा करें। इसका सही आंसर है नर्मदा नदी पर। नौवां सवाल है, ऐसा कौन सा जीव है जिसका दिल 1 मिनट में 1000 बार धड़कता है? दोस्तों इसी तरह की इंटरेस्टिंग और नॉलेजफुल वीडियो रोज़ सबसे पहले देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस जरूर कर लें, जिससे कि नई नई वीडियो आपको रोज़ सबसे पहले देखने को मिलती रहें। इसका सही आंसर है छिपकली का। दसवां सवाल है, लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? इसका सही आंसर है जीवी मावलंकर। तो दोस्तों आप इनमें से कितने आंसर सही दे पाए हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, इससे भी अच्छी नॉलेजफुल वीडियो आपके लिए लेकर आएंगे। तो जब तक चैनल से जुड़े रहें, खुश रहें, मुस्कुराते रहें। जय हिंद, जय भारत।